यार मेरे लगा तो तबलीगी जमात के साथ जाना चाहिए। इधर गरीबों को एक एक नहीं मिली, आप तीन तीन करके बैठे हो। आम खाएगा आम, आम खाएगा आम। आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? लड़की हो बस जिंदा हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। किस्मत अच्छी होती है, कभी यहाँ पे मुँह मार रहा होता है, कभी वहाँ पे मुँह मार रहा होता है, हम लोग को मिल नहीं रही है। यार इधर हमारी एक नहीं हो रही, उसकी दो भी होगी, तीसरी भी होगी, खत्म भी होने वाली है। I can feel you fade away. आमिर भाई को यही मैसेज देना है भाई, हमारे लिए कोई रिश्ता ढूंढो, कोई गरीब हो कोई भी हो, हम मर रहे यार। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बताओ आमिर लियाकत को जानते हो? उसको कोई नहीं, कौन नहीं जानता। बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कैसे जानते हो? यार मैं तो सियासी लिहाज पे जानता हूँ। अच्छा, सियासी लिहाज से किस तरह जानते हो? ये सियासी लिहाज से ये पहले MKM में था, उसके बाद PDI में आया, PDI छोड़ दी। यार अभी तो मसला ये चल रहा है ना कि तीसरी शादी भी ख़त्म हो रही है उनकी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पता है आपको इस बारे में? यार अमीर लियाकत को ये करना चाहिए कि वही पहले वो खुद अपने गिरेबान पे जाके देखे। यार अमीर लियाकत को तबलीगी जमात के साथ जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, लेकिन अमीर लियाकत को खास तौर पर। उनकी जो बीवी के जो स्टेटमेंट आया है वो सुना है आपने वीडियो? जी बहुत सुना है कि वो तशद्दुद करता है, वो नशा करता है, पूरी पूरी रात कमरे में बंद कर देता है, किसी की दूसरे की नौकरानियों की वो जो है गुस्सा जो है वो आगे बीवी पे निकालता है। अच्छा, नौकरानियों का गुस्सा बीवी पे कैसे निकालेंगे? मैंने तो ये सुना था कि बीवी का गुस्सा नौकरानियों पे निकालते हैं। शायद ये भी हो सकता है, या हमने गलत सुना। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। क्या लगता है चौथी शादी किससे करेंगे? कयाम खान से। आम खाएगा आम, आम खाएगा आम। क्यों भाई? ना कहते हैं कि दो घर बर्बाद होने से एक घर आबाद हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे बड़े कहा करते थे कि दो घर बर्बाद होने से एक घर आबाद हो जाएगा। फ्यूचर में आमिर भाई और कयाम खान की जोड़ी देखते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अजान कहाँ से आए? वो ये महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी आई सेक्टर गली नंबर 5 मकान नंबर 548। ये बताओ आमिर लियाकत को जानते हो? जी जी, उसको कौन नहीं जानता है। अच्छा, कैसे जानते हो? बस शादी भी शादी कर रहे, क्या करें। अच्छा यार, उसके शादियों के अलावा भी तो वो बहुत सारे काम करते हैं, उनके हिसाब से नहीं जानते हो क्या? अभी तक तो बस यही सोशल मीडिया में यही वायरल हुआ है, शादी कर ली, तलाक दे दी, शादी कर ली। अच्छा, तीसरी शादी भी ख़त्म होने वाली है, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? क्या वो चौथी कर लेगा अभी? क्या लगता है चौथी किससे करेगा? लड़की से। अबे जाहिर सी बात है, लड़की से ही करेगा। किस किस्म की लड़की से करेगा? उसको जो भी मिल जाए उसमें खाली गुजारा करना है। अच्छा, अगर उससे भी गुजारा नहीं हुआ तो उसका अल्लाह मालिक है। किसी का तो नाम होगा ना यार दिमाग में। यार आमिर भाई की इसके साथ जोड़ी अच्छी लगी, मियां खलीफा के साथ में। तुम्हें लगता है कि शादी कर लेंगे वो? पैसे के पीछे कौन नहीं चाहता। स्टडी के अलावा क्या 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 मसरूफियात हैं? स्टडी के अलावा वेले घूमते वेले घूमते। ये बताओ आमिर लियाकत को जानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्यों भाई अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? वो बहुत बड़ी शख्सियत है। अच्छा, कैसे है बड़ी शख्सियत है वो? उन्होंने हैट्रिक मारी। किस चीज़ में हैट्रिक मार दी भाई? शादियों में। अच्छा, पहली बीवी का नाम पता है उनके? नाम तो नहीं पता है। अच्छा, लेकिन उसके जो अभी उसने सिलसिला किया है तीसरी शादी की, उसको भी अभी तलाक दे रहे हैं, तो वो इसलिए उसको जानते हैं सब, वो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ये बताओ जो उसकी वाइफ की जो वीडियो आई थी उसको देखा है आपने? हाँ, उसमें वो वीडियो आई थी जो बो रही थी, ये मेरे पे जूम करता है ये करते हुए। कितनी सच्चाई लगती है उसमें? सच्चाई तो लगती है कि यार वो लड़की भी मासूम है, भी बो रही होगी। कितनी मासूम है? बहुत मासूम है यार। यार ये बताओ, वो कह रही मैं 15 साल की हूँ, 18 साल की नहीं हूँ, ये भी सच है क्या? यार दूध तोड़ी भी थी, फीडर नहीं है उसके मुंह में, शादी की है, बच्ची नहीं है वो। प्यारी समझ गई। जैसे इख्तलाफात शुरू हो गए, इतने सारे मैसेज, इतने सारे वीडियोस, क्यों ऐसा क्यों होता है आखिरकार? बस आमिर लियाकत अपना पूरा कर लिया जो मन था उसका, फन करना था उसने। अच्छा, अभी वो चौथी के सिलसिले में रहेगा शायद। किस किस्म का फन पूरा करना चाहते थे वो? बस एक तीसरी शादी करनी थी। अच्छा, वो बोल रहा था मैं चौथी भी करूँगा। किसके साथ करेंगे भाई चौथी?
होती किसी लड़की के साथ करेंगे। कौन होगी वो लड़की, कोई तो आइडिया हो ना कि यार ये लड़की होगी इसके साथ आमिर भाई की शादी होगी। कोई भी हो सकती है, वो देखते हैं आमिर लियाकत को कौन सी पसंद आती है। तुम्हारे दिमाग में किसका नाम आता है? यार हमारे दिमाग में भी किसी का भी नाम नहीं आ रहा है, किसका बोल सकते हैं। उस बंदे का कोई वो नहीं है, वो कहीं से भी उठा लेता है लड़की। कहीं से भी उठा लेगा, उठा लेगा, उसको रोड पे भी देखेगी ना अच्छी लगेगी उसको ले लेगा। आमिर भाई को कोई मैसेज देना चाहोगे? उसको यही मैसेज देना चाहेंगे, ऐसा नहीं करो, इधर गरीबों को एक एक नहीं मिली, आप तीन तीन करके बैठे हो। आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? लड़की हो बस जिंदा हो। इतने अच्छी तरीके से आप आमिर लियाकत को कैसे जानते हैं? उनके चंद कारनामे जो उनकी वजह से। कौन कौन से कारनामे? यही जो शादियों का चक्कर लगाया हुआ उन्होंने। तो यार अब तो शादियों के चक्कर ख़त्म होने वाले? नहीं ख़त्म होने वाले का, अभी तीसरा ख़त्म हो गया ना, चौथा मेरे ख्याल से जब स्टार्ट होगा उसका इंतज़ार है, वो कब ख़त्म हो रहा है। क्या लगता है चौथा किससे होगा? इसका कोई आइडिया नहीं है। ये तो नहीं से पूछना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं आप दोनों मिल के आमिर भाई को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारा मैसेज यही होगा कि भाई मुआशरे पर जुल्म करना छोड़ दो। अच्छा, उसकी बेगम का ये कहना है कि यार मैं 15 साल की हूँ 18 साल की नहीं हूँ, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये चीज़ें मुझे तो नहीं लगता 15-18, लेकिन दरिंदगी है ये तो एक सीधी सी, 15 या 18, लेकिन ये नाइंसाफियाँ जो उसने करी हैं, तीसरी शादी ख़त्म हो गई, मतलब नाक कट गई फिर भी बंदा वैसा का वैसा ही है। यार वो एक है ना कि यार बस नहीं 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 अच्छी बीवी मिली, क्या कर सकते हैं फिर तो बंदा कुछ नसीब की बात है। हाँ नसीब की बात है ना ये सब। अच्छा क्या आइडिया एडवाइस क्या देना चाहोगे कि भाई चौथी शादी उससे करें कि ये पायदार चीज़ है, इसकी इसके साथ आप शादी करोगे तो आपकी शादी नहीं टूटेगी? हम तो सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई लड़की आपके जहन में हो? नहीं नहीं, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता उनका नाम जोड़ के। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी लड़की होगी ना वो उनको पसंद कर लेगा, जो भी होगी, टिकटॉकर होगी, मीडिया पे होगी, सोशल वर्कर पे होगी और सियासतदान होगी, ये सारों को बदनाम कर रहा है, खुद भी बदनाम हो रहा है, लड़कियों को भी बदनाम कर रहा है। इनके लिए अब हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैसेज क्या देना चाहोगे उनको? मैसेज ये मैं ये देना चाहूँगा, अल्लाह आपका भला करेगा और ऐसे गलती नहीं करो यार, किसी के साथ नहीं ऐसे मजाक करो, माशरे में ये गलत हो रहा है। और ये तो मैं ऐसे ही करना चाहूँगा, फांसियाँ नहीं फैलाओ। वैसे कैसे जानते हो आमिर भाई को? वो अभी ज़्यादातर मीम्स में आ रहे हैं ना, वो जो ओ वाली आवाज़ दिखाते हैं। ये बताओ उनकी तीसरी शादी भी ख़त्म हो रही है, क्या कहना चाहोगे? यार हम लोग एक एक नहीं मिल रही है, अजीब किस्मत है, ये किस्मत भी कुत्ती चीज़ है। अगर आमिर भाई की तरह तीन शादियां करने का मौका मिले तो तुम करोगे? नहीं, पहली वाली तो जान से मार देगी, तो अल्लाह करे निकल जाए वो, तो फिर दूसरी तीसरी का देखेंगे। तुम कह रही हो अगर पहली वाली बेगम एक्सपायर हुई तो फिर दूसरी तीसरी की बारी? एक्सपायर नहीं, ऊपर चला जाए। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि चौथी शादी आमिर भाई किससे करेंगे? तो वो तो मेरे को जन्नत मिर्ज़ा लग रही है। अल्लाह दी ओमाची। अबे बेवकूफ, देखता नहीं है भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? गाली गलौज भी करते।